करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो आज मैं आपको जो लोगो हमने उस दिन बनाया था, मैंने उसी तरह एक और लोगो बनाया और उसे अपने लैपटॉप में सेव कर लिया। तो ये है वो लोगो, तो आज हम इसे अपलोड करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्रोम ओपन कर लें और उसके अंदर आप सबसे पहले फ्रेम स्टूडियो फेसबुक टाइप करें। तो उसमें जो सबसे पहला लिंक होगा आपने उस पर क्लिक कर देना। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। तो इधर से आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा जब आप लॉगिन कर लेंगे। तो उसके बाद आपने ना ट्राई इट पे क्लिक करना है। ट्राई इट पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट अ फ्रेम पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। यहाँ से आप इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल में कैसे शो होगा और किस तरह ये शो होगा। तो आप इधर से नेक्स्ट कर दें और इधर से ओनर में जो भी आप खुद का नेम देना चाहते हैं या कुछ भी तो आप दे सकते हैं। ये माई प्लांटिंग हॉबी का, इसलिए मैं वो लिखा, तो इसका नेम भी माई प्लांटिंग हॉबी लिख दूंगा। तो आप इसमें कीबोर्ड्स लगा सकते हैं। तो इसके अंदर कीबोर्ड और भी हम ऐड कर देते हैं, जैसे माय प्लांटिंग हॉबी। तो उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे। इधर से हम ओके कर देंगे। अब ये पब्लिश हो चुका है, तो इधर से हम डन पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज में चले जाएं। मैनेज में आप इधर से कोई भी ऑन ऑफ या कुछ भी करना चाहते हैं तो कर लें। तो इस तरह आप फ्रेम को अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।